भक्तों, मैं 60-70 साल पुरानी एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। वास्तव में वह कहानी सत्य घटना है। सत्य घटना कैसे है कि किसी संत के मुख से सुनी हुई कहानी है, और संत कभी भी असत्य की बात नहीं करते, संत सत्य बोलते हैं। ये आप सबको पता होगा, क्योंकि संतों को वास्तव में किसी से लोभ लालच नहीं होता। अगर वो लालच के बसीभूत होकर कुछ कहानी के अंदर बदलाव लेते हैं या बदलाव करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। संत सदा ही सद्भावना के साथ साथ आपको सतमार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये कथा एक भौंदू भगत की है, और भौंदू भगत बहुत ही सरल भगत था। इतना सरल कि उसको पता नहीं था कि संसार में क्या है और क्या चलता है। कई बार आप कहीं पर भी कथा के अंदर जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु की, जैसे भागवत चल रही है, कहीं रामायण कथा, राम कथा चल रही है, या कहीं नारायण कथा चल रही है, और वहाँ पर आ जाकर उनकी बातों को सुनते हैं, संतों की बातों को सुनते हैं, तो एक मिनट के लिए या एक क्षण के लिए उन कथाओं को सुनकर आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपका माइंड, आपका दिमाग बिल्कुल ही सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म मतलब ऐसा हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। और कई बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप जिस कथा में बैठे हैं, वो प्रसंग आपके सामने अभी चल रहा है, और वास्तविकता में उस प्रसंग से आप इतने जुड़ जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि आप बाहरी दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस भौंदू भगत की कथा, तो वो कथा में रोज सुनता है भगवान कृष्ण, बांके बिहारी, गोपाल जी दंडक वन में वृंदावन के पास गाय चराने आते थे, और रोज कथा में गुरु जी से यही बात सुनता था। तो उस भौंदू भगत ने विचार लगाया कि गुरु जी रोज रोज ये कथा सुनाते हैं, परंतु मेरे को कहीं पर भगवान कृष्ण नहीं मिले। उसने विचार किया कि आज गौ ले जाने के बाद में गौ चराने जाऊंगा, तो भगवान को जरूर ढूंढूंगा कि वो कहाँ है दंडक वन में। और अपने सरल स्वभाव से उसका हृदय भी सरल है, और भगवान ने कहा भी है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपटल छल छिद्रण भावा। ऐसा व्यवहार उस भौंदू भगत का, तो भगवान को गाय छोड़ दी एक साइड में और भगवान को ढूंढने लग गया, और ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया, परंतु भगवान नहीं मिल रहे हैं। और इधर भगवान कृष्ण विचार करते हैं, कभी वो पत्थरों में जाता है, पहाड़ों में घुसता है, कभी झाड़ियों में घुसता है, कभी कटीले के वन में, कि कहीं भगवान यहाँ तो नहीं छुपे। और ऐसे ढूंढते ढूंढते उसको शाम हो जाती है, और गाय भी परेशान हो रही होती है घर जाने के लिए, परंतु वो ढूंढता रहता है। भगवान कृष्ण हमारे गोपाल जी को, हमारे बांके बिहारी लाल जी को, हमारे राधा रमण जी को, उस भौंदू भगत का ख्याल आता है कि ये तो भगत ऐसा है कि ये जाएगा भी नहीं, इसको कौन समझाए कि यहाँ जो कथा प्रकरण जो चल रहा था वो कौन से युग का था, इसको कौन समझाए, ये तो कलयुग में मेरे को ढूंढ रहा है। तो भगवान मुरलीधर गायों के बीच में आ जाते हैं, और आके कहते हैं, भाई भौंदू भगत बता क्यों परेशान हो रहा है। आके भौंदू भगत से कहे कि भगवान, मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया, आप मेरे गुरुजी ने कई बार बताया कि आप यहाँ गाय चराते हो, तो मैंने सोचा आज भगवान से मिल ही लूँ, और आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, परंतु चलो अच्छा हुआ समय रात का होने वाला तो आप मिल गए, नहीं तो मेरी घर में भी झगड़ा हो सकता था, परेशानी आ जाती, घर वाले कहते कहाँ लेके ही चला गया गाय को,
और गुरुजी भी बहुत परेशान होते। भगवान भौंदु भगत से कहते हैं कि एक बात बता कि तू खाने के लिए क्या लाया, मेरे को तो भूख लग रही है। तो भगवान से कहता है कि मेरे पे दो रोटी हैं, दो रोटी खाता हूँ मैं। कि तो उन दो रोटियों को भगवान खा लेते हैं और भौंदु भगत भूखा रह जाता है और दूसरे दिन अपने गुरुकुल के लिए चले जाता है, भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। दूसरे दिन भगवान फिर आ जाते हैं और दूसरे दिन भौंदु भगत अपना रसोई में जाता है और वहाँ से 10 रोटी कम से कम बांध रहा होता है, सब्जी बांध रहा होता है और अपने गाय चराने के लिए चलता है। तो जो रसोईया आके गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आज भौंदु भगत आपका 10-15 रोटी और इतनी सब्जी बांध के ले जा रहा है सब्जी, और कहते भाई ये गुरुजी को कान भर देते हैं। तो गुरुजी उसके भौंदु भगत के पास है, भाई ये किसके लिए ले जा रहा है, किसके लिए ले जा रहा हूँ, क्यों वहाँ राधा रमण मिल गए भगवान मेरे को तो उनके लिए खाना लेके जा रहा हूँ। कह रहे अच्छा, कह तो भाई हमें भी मिलाएगा भगवान से, कि हाँ जरूर मिलाऊंगा गुरुजी। कह तो कैसे मिलाएगा, कि मैं उनको लेके आ जाऊँगा अपने साथ, आप चिंता क्यों कर रहे हो गुरुजी, मैं अपने साथ ले आऊँगा उनको। तो भौंदु भगत से कहते हैं कि भाई देख ले लेके आएगा, कि हाँ मैं लेके आ जाऊँगा, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तो उनके साथ रोटी खाता हूँ। तो ठीक है, भौंदु भगत जाता है, भगवान आते हैं और रोटी खाने लग जाते हैं दोनों, दोनों रोटी खाने लग जाते हैं, रोटी खा रहे होते हैं। तो आधी आधी रोटी भौंदु भगत ने खाई और भगवान ने खाई। खाने के बाद खाते ही कहता है कि भाई भगवान जी, कह कृष्ण जी सुनो, एक बात है, एक समस्या आ गई। क्या? बोलो। कि मेरे को गुरुजी से, मेरे गुरुजी से आपको मिलना पड़ेगा। कह रहे भाई हम गुरुजी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं हम गुरुजी से नहीं मिल सकते, ना हम किसी से मिल सकते, हम तो तेरे से मिल सकते हैं भौंदु भगत, बस, और हम किसी से नहीं मिलेंगे। कह तो देखो ऐसा है, मिलना है तो बताओ और नहीं तो मैं चला और अपनी रोटी छीन लेता भगवान से, गोड़ रोटी अचार वचार सब छीन के रख लेता। कहता भगवान मैं नहीं दूंगा तुम्हें रोटी वोटी। अब तो भगवान बड़े परेशान, के भाई क्या, कि देखो या तो आप मेरे साथ चलो, चलना है तो, और नहीं चल सकते हो तो मेरा खाना दो और मैं अपने घर चला और तुम अपने घर जाओ। भगवान गोपाल जी सोच रहे हैं कि इस भगत का करूं तो करूं क्या, यहां तो बड़ी समस्या है। तो गाय लेके और भौंदु भगत आगे आगे और गाय पीछे पीछे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अरे भाई सुन तो ले भौंदु भगत। कह नहीं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मेरे को, और सोई चल देता है गुरुजी की तरफ चल देता है भौंदु भगत। तो भगवान कृष्ण परेशान हो जाते हैं और भौंदु भगत की जाके पीठ पर चढ़ जाते हैं, छोटा सा भेष बनाकर बालक का, और पीठ पर चढ़ते हुए भौंदु भगत आराम से मस्ती से अपना जा रहा है, भगवान कृष्ण जी उसकी पीठ पर बैठे हुए हैं। और जाके जैसे ही भगवान को गुरुजी देखते हैं तो गुरुजी हो जाते हैं बेहोश। देखते ही भगवान को और भौंदु भगत को देखकर बेहोश हो जाते हैं। तो गुरुजी अब तो उस भौंदु भगत के चरण स्पर्श कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि भाई इस भौंदु भगत ने मेरे को भगवान के दर्शन करवा दिए। और वहां भगवान के भी दर्शन करते हैं, भगवान अपना विराट बड़े सुंदर और सौम्य रूप में आ जाते हैं और सभी भक्तों को वहां दर्शन देते हैं। तो दर्शकों ये भौंदु भगत की बहुत ही सुंदर कथा है। अगर भाव से और सरल हृदय से, भाव से सरल हृदय से और अपने मन से अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान साक्षात आकर किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।